चलिए आपको फिलहाल सीधे लिए चलते हैं भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर की पावन धरा पर, जहां पर आचार्य श्री महाश्रमण के अमृत प्रवचन शुरू हो गए हैं। चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे चय सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। नयसार का जीव मरीचि के भव में है, भगवान ऋषभ का संसार पक्षीय पौत्र बनने का मानो एक सुअवसर उसे प्राप्त हुआ है। भगवान ऋषभ की देशना से प्रभावित होकर मरीचि को वैराग्यवान बनने का भी मौका मिला। वह दीक्षित भी हो गया, साधु बन गया और शास्त्रों का अध्ययन, आगमों का यानी 11 अंगों का अध्ययन भी करने लगा। आगमाध्ययन हमारे यहां जैसे व्यवस्था भी होती है रहती है, 3 वर्ष का संयम पर्याय संपन्न हो जाने पर कुछ आगम पढ़े बिना कुछ कार्य नहीं करने, यानी दीक्षा लेने के बाद निसीहध्ययनम है, आयारु आयार चुला। ये दीक्षा पर्याय के 3 वर्ष संपन्न होने से पहले विधिवत वाचन इनका नहीं किया जाए, और जब तक इनका वाचन न किया जाए तो कुछ कुछ कार्य उस साधु को नहीं करने होते हैं। कुछ स्वातंत्र्य में थोड़ी सी रुकावट रहती है। तो आगमों का हमारा कुछ कालक्रम के साथ व्यवस्थापन है, कितने वर्षों के संयम पर्याय के बाद कौन सा आगम पढ़ना, कौन से आगम की वासना लेना, एक व्यवस्था दी हुई है मरीचि ने। मुनि मरीचि ने 11 अंगों का अध्ययन कर लिया। एक कठिनाई मुनि मरीचि के सामने आ रही है, गर्मी को सहना कठिन हो रहा है, ग्रीष्म काल में भीषण ताप का परिसह हो जाता है, भयंकर प्यास लग जाती है। साधु की चर्या है, जैसे वर्तमान में व्यवस्था चर्या, रात्रि में भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना। मुनि मरीचि के लिए यह ताप ग्रीष्म को सहन करना कठिन हो रहा है। यह भी एक संयम है या तपस्या है, दोनों कह दे जो भी। जीवन भर दीक्षा ली तब से रात्रि में पानी नहीं पीना तपस्या है, और यह तपस्या करने वाले भी हमारे छोटे छोटे संत इस अपान की साधना करते हैं। साध्वियां भी कई छोटी छोटी, छोटी बड़ी क्या, प्यास तो बड़ों को भी लग जाती है, ठीक है, बच्चों को लग, बड़ों को भी कई बार गर्मी भयंकर होती है, तो इधर तो प्यास, इधर यह मच्छरों का थोड़ा प्रकोप, और शरीर को बाहर से गर्मी भीतर से प्यास, फिर कुछ मच्छरों की स्थिति, हवा विशेष आ नहीं रही है, कुछ उमस जैसी कोई स्थिति हो, तो परिसह को सहन करना साधु का धर्म है।
परिसहों को जीतना, परिसह विजयी बनना साधु का एक कार्य होता है, धर्म होता है। परंतु मरीचि मुनि को लगा कि मेरे वश की बात नहीं है इस गर्मी को सहन करना। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो सोचा कि इस साधुपन में नहीं पाल पाऊंगा, साधुपन को छोड़ देना चाहिए। तो क्या घर में चला जाऊं? प्रश्न के घर में भी नहीं जाना चाहता, घर तो छोड़ दिया, अब घर में तो नहीं जाना है। तो साधुपन पाल नहीं सकता तो फिर साधु संस्था में रहना भी अच्छा नहीं है। साधु संस्था में रहूं और पालन न करूं यह बढ़िया बात नहीं है। तो साधु संस्था को तो छोड़ना है, घर में जाना नहीं है। अब दोनों के बीच का कोई क्रम मुझे बनाना है। तो सोचा कि ठीक है, भगवान ऋषभ के साधुओं का जो आचार है वो नहीं पाल सकता, एक नए रूप में संन्यास है। भगवान ऋषभ के साधुओं का जो आचार है वो नहीं पाल सकता, एक नए रूप में सन्यासी का अपना नियम विधान बनाकर उसके अंतर्गत रहता हुआ मैं अपनी साधना करूं, नियम विधान बनाकर उसके अंतर्गत रहता हुआ मैं अपनी साधना करूं। आखिर मुनि मरीच भगवान ऋषभ की साधु समिति से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है और अपने ढंग से साधक का एक रूप बना लिया। त्रिदंड धारण करना, छत्र धारण करना, काषाय वस्त्र गेरुआ कपड़ा रखना, और ये साधु लोग हैं इनमें तो निरंबर भी होते हैं और शुक्लांबर भी होते हैं, तो मैं तो अपने ढंग से गेरुआ कपड़े रखूंगा। तो प्रश्न है त्रिदंड धारण क्यों किया जाए? कि भाई ये साधु लोग हैं भगवान ऋषभ के, मनोवाक मनोवाक्काय दंडा नाम जैन है श्रमणा यमी तै रहम विदितो स्मीति भविष्यामि त्रिदंडिक है। ये श्रमण लोग हैं, वे तो मन वचन और काय दंड को जीतने वाले होते हैं। मैं इन मन वचन काय के द्वारा जीता गया हूं, पराजित हूं, विजित हूं। तो मैं इस संदर्भ में तीन दंडों को धारण करूंगा, यानी मैं इन दंडों से विजित हूं। छत्र धारण क्यों करूंगा? वह इस बात का प्रतीक होगा छत्र धारण करना कि मोहच्छन्नोऽस्म्यहं ततः तच्चिह्नं धारयिष्यामि छत्रकं मस्तकोपरि। कि मैं मोह से आच्छन्न हूं, इस बात के द्योतक के रूप में मैं छत्र को मस्तक पर धारण करूंगा। और गेरुआ वस्त्र है, मानो कि मैं कसाय से प्रभावित हूं, काषाय वस्त्र मानो धारण कर लिए, जो भी इस प्रकार का अपना वेश बना लिया तो वह कैसा हो गया? श्लोककार ने कहा है, नाश्वो न चखर है किंतु भयांशुस्वतरो यथा न संयतो न च गृही मरीचिरभवत् तथा। श्लोक की भाषा है कि ऐसा वो बीच में रह गया, न तो साधु रहा न गृहस्थ बना। श्लोककार की भाषा में न तो घोड़ा रहा न गदा बना, बीच का रह गया, बीच का अश्वतर खच्चर खच्चर सा बन गया, न संयति गृहस्थ। स्नान करता, स्नान आदि में पानी का संयम, परिमित जल का उपयोग,
पानी का तो संयम रखना बढ़िया कार्य होता है, हम चारित्रात्माएं हैं। अब वस्त्र प्रक्षालन है, उसमें भी ज्यादा पानी, अनावश्यक पानी न लगे, कम से कम अनावश्यक पानी न लगे कि थोड़े जितना ठीक आवश्यक तो पानी मान लो लगाना पड़े। यह लक्ष्य रहे कि वस्त्र प्रक्षालन कितने सीमित जल से मैं कर सकता हूं। जैसे मान लो संतों वाला एक लोट आ गया, एक घड़ा संतों वाला, वो एक घड़े से अगर वस्त्र एक साधु का जो 10 दिनों में आने वाला वस्त्र प्रक्षालन हो सके, तो उस एक घड़े से बहुत है। ज्यादा पानी न लाना पड़े, न फिर पलटना पड़े, न काम में लेने में श्रम लेना पड़े। तो एक घड़ा है संतों वाला, जो साधु घड़ा, जो संत लोग काम ले रहे हैं, तो उतने से एक धोना हो जाए, एक वस्त्र प्रक्षालन एक साधु का हो जाए, तो एक सीमा अच्छी, एक संयम की सीमा रह सकती है। उससे भी कम में काम चले तो और अच्छी बात हो जाए। सर्फ है, वो भी कितना काम लेना, हालांकि फालतू तो ऐसे तो लेना ही नहीं, सॉरी संयम रखे, इतना ले लिया और ज्यादा नहीं, वरना सर्फ ज्यादा डाल दिया, फिर दूसरे पानी में निकालो, फिर तीसरे पानी में कपड़ों को निकालो, तो फिर बार बार पानी में ज्यादा सर्फ डालने से, बार बार सर्फ डालने से बार बार पानी में निकालना पड़ सकता है। तो सिर्फ सीमित काम में लिया जाए। तो यह हम चारित्रात्माएं यहां पर हैं, और भी बहिर्विहार में भी हैं। तो कोई नियम कानून की बात मैं नहीं बता रहा हूं अभी, मैं तो एक, हम बैठे हैं तो एक चिंतन विचार दे रहा हूं, जो हमारे लिए अच्छा भी है कि पानी का संयम, कम पानी से वस्त्र प्रक्षालन हो सके, ज्यादा पलटना भी न पड़े, सर्फ की भी सीमा हो, अपना समय भी थोड़ा कम लगे, पदार्थ भी कम लगे, और अपना आवश्यक काम भी, कार्य उद्देश्य पदार्थ भी कम लगे, और अपना आवश्यक काम भी, कार्य उद्देश्य प्रयोजन सिद्धि भी हो जाए। तो गृहस्थ लोग हैं, वे भी पानी का अनावश्यक व्यय न करें। स्नान भी करना है, ठीक है, आवश्यक मान लो पानी काम में लेना पड़ता है, अनावश्यक जल का उपयोग न करें। पांव धोने है, पांव धोने में भी अनावश्यक पानी मेरा न लग जाए। जैसे एक तोपसी, मान लो तुम्हारे पास एक तोपसी है, एक तोपसी से पानी, उस इतने पानी से अगर पांव धोए जा सकते हो, तो फिर ज्यादा पानी क्यों डालते हो, ज्यादा पानी क्यों डालते हो? तो पांव धोने में कितना कम पानी से काम चल सकता है। हाथ भी धोने हैं, मान लो ठीक है आवश्यक पानी काम लेना होता है, तो अनावश्यक हाथ धोने में ज्यादा पानी हमारा न चला जाए। यो बात बात में देखें कि मेरा पानी का उपयोग सीमित रहे, अनावश्यक व्यय न हो। पहले से इतना पानी ला के भर दिया, अब शाम को तो बढ़ गया, ज्यादा पानी तो पलटो उठो के, तो थोड़ा पानी लाने में भी सीमा में ही लाएं, जरूर तो शाम को फिर थोड़ा लेके आ जाओ लाने, तो फिर ऐसे ही पलटना पड़े, फिर बाथरूम में पलटना पड़े, तो ऐसे ही और तो अपना अनावश्यक वो भी काम न हो, पानी का संयम भी रह जाए। तो हमारे साधु साधियां हैं, समणियां भी हैं, मुमुक्षु भाइयां भी है, आखिर वे भी तो साधना के पथ पर अग्रसर हो सकने वाली हैं। अभी भी वैसे साधना का ही कुछ जीवन माना जा सकता है, तो पानी का वो कितना संयम रख सकते हैं। तो यह पानी का संयम गृहस्थों के लिए भी अहिंसा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। जल का संयम, संयम गृहस्थों के लिए भी अहिंसा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। जल का संयम, जल के उपयोग का संयम। मुनि मरीचि, जो अब साधक मरीचि बन गया है,
पानी में परिमित उपयोग हो इसका ध्यान देता था। शील जो मुनिचर्या की सौरभ है उससे रहित था, वह चंदन का लेप करता कि मेरे में शील की सौरभ तो पूरी है नहीं, मैं तो चंदन के लेप से शरीर को सुरभित करता हूं। और कह मैं तो खड़ाऊ चप्पल पहनूंगा, बिना चप्पल तो नहीं चलूंगा, खड़ाऊ पहनूंगा, खड़ाऊ पहनूंगा। इस प्रकार की अपनी चर्या का मनो निर्धारण करके एक साधक के रूप में रहने लग गया, क्योंकि मुनि जीवन पूरा पाल लेना भी बड़ी बात है, वरना जीवन काल में बीच में ही क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं कि आदमी संयम जीवन को छोड़ दे। तो इसका उदाहरण यह मुनि मरीचि है जिसने बीच में ही संयम जीवन को छोड़ दिया। अपने ढंग से साधक का जीवन शुरू हो गया है। चक्रवर्ती भरत भगवान ऋषभ के पास स्थित था, पिता महाराज थे, तीर्थंकर थे, पिता महाराज भी थे, तो परिषद भी थी। चक्रवर्ती भरत ने प्रश्न कर लिया कि भगवान आपकी सभा में कोई ऐसा जीव है क्या जो इस अवसर पीणी काल में आपके समान तीर्थंकर बनेगा, समान तीर्थंकर बनेगा। भगवान ऋषभ ने उत्तर दिया कि समवसरण के अंदर तो कोई जीव ऐसा नहीं है जो इस अवसर पीणी काल में तीर्थंकर बनेगा यहां, परंतु समवसरण के बाहर तुम्हारा बेटा मरीचि बैठा है, वह मेरी तरह इस अवसर पीणी काल में इस व्रत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनेगा। और मरीचि आगे त्रिपृष्ठ के रूप में वासुदेव भी बनने वाला है, और नामक एक बार वह चक्रवर्ती भी महाविदेह क्षेत्र में बनने वाला है। अपने बेटे के बारे में यह खुशखबरी शुभ सूचनाएं सुनी तो पिता अपने पुत्र के बारे में अच्छी बात सुने तो पिता के लिए तो सामान्यतया एक आह्लाद का विषय बन सकता है कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ने वाला है। पिता होता है तो पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य होता है कि मेरा बेटा भी कैसे अच्छा रह सके। बेटे की आर्थिक स्थिति पर पिता ध्यान देता है, दे सकता है, उसकी व्यावसायिक प्रगति पर ध्यान दे सकता है, उसकी शादी विवाह है आज उसका मकान अलग कैसे बने आदि बातों पर ध्यान दे सकता है, तो पिता यह भी ध्यान दे कि मेरा बेटा सच्चरित्र वाला रहे, सत्संस्कार वाला रहे। यह भी ध्यान माता पिता दे कि मेरी संतान में अच्छे संस्कार रहे। संस्कृत का श्लोक तो प्रसिद्ध होगा प्राय, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधित है। तो माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो अपनी अपने बालक को पढ़ाता नहीं है और साधित नहीं करता है, संस्कारी नहीं बनाता है। तो माता पिता का फर्ज है अपनी संतान को संस्कारवान, धार्मिक दृष्टि से भी, सच्चरित्र की दृष्टि से भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। हमारे समाज में, हम तेरापन समाज में देखें तो कई संस्थाएं हैं। अब जैसे मान लो ये तेरापंथ युवक परिषद है, साथ में जुड़ा हुआ किशोर मंडल है, इधर यह महिला मंडल है, साथ में जुड़ा हुआ कन्या मंडल है, इधर यह महासभा के तत्वावधान में ज्ञानशाला चलती है, इधर यह तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम है। अब ये संस्थाएं हैं जो तो समाज से जुड़ी हुई इन्हें माना जा सकता है कुछ अंशों में, और यो ये धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं भी है। तो जो संस्कार की बात है, माता पिता का काम है
तो ये समाज की संस्थाएं हैं। अब किशोरों को किशोर मंडल से जुड़ने का मौका मिलने का मतलब है उनमें कुछ अच्छे अच्छे संस्कार आने की संभावना बन सकेगी। कन्या मंडल महिला मंडल से जुड़ा, इसका मतलब कन्याओं में अच्छे संस्कार आने की संभावना कुछ बन सकेगी। अब जो ये TPF वाले हैं, अब नव युवक से है वो TPF में जुड़ जाते हैं, बार बार चरित्रात्माओं के संपर्क में आना, अच्छे भाषण सुनना, बातें सुनना, विधि विधान, तो उनमें पढ़े लिखे हैं, अब अच्छे संस्कार भी आ जाते हैं तो कितने ज्यादा उपयोगी, उनमें बौद्धिक क्षमता साथ में संस्कार क्षमता और पुष्ट हो जाती है तो उनका जीवन अच्छा और वे समाज के लिए दूसरों के लिए भी अच्छे बन सकते हैं। तो यह संस्कारों की संपदा जो है, अब ज्ञानशाला के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनमें यह जो प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति हैं वो संस्कारों की बात बताते हैं, तत्व ज्ञान धर्म की बातें सिखाते हैं मानो, और फिर साधु साधियों के संपर्क में उनका आना होता है तो बालकों में बच्चों में बच्चों बच्चियों में एक अच्छे संस्कार आने की संभावना बनती है। अब फिर ये बच्चे हैं सीखते हैं, कोई भक्तामर सीखता है किस बोल, कोई प्रतिक्रमण, कोई कुछ, अब ये सीखते सीखते उनमें संस्कार धर्म के अच्छे हो सकते हैं। तो माता पिता अपनी संतान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर दे, वो एक उनका भौतिक विषय हो सकता है, उनके लिए मकान बढ़िया तैयार एक भौतिक विषय, पर यह संस्कारों का विषय है, संस्कारों की संपदा, वो भी माता पिता कैसे अपनी संतानों में पुष्ट करे यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो चक्रवर्ती भरत का बेटा यह मरीचि है, तो मरीचि के बारे में अच्छी बात सुनी है, तो भरत के पिता के लिए सामान्य रूप में देखिए आह्लाद की बात हो सकती है कि मेरा बेटा इतना ऊंचा आगे बनने वाला है, तो हम संस्कारों की दृष्टि से अपने आसपास रहने वालों खुद को भी बनाएं, अपने आसपास रहने वालों को और माता पिता अपनी संतानों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभय पयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणीनाय पुत्ते। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धि ओ संति संति करे लो ए पत्तो संति करे लो ए पत्तो गई मनुत्तरम। आज पर्युषण महापर्व की दिवस व्यवस्था के अंतर्गत वाणी संयम दिवस है और वाणी हमारे जीवन का बार बार काम में लिया जाने वाला भी तत्व होता है, अंग होता है। वाणी के संदर्भ में हम आगम में देखें तो एक सुंदर निर्देश है, नियम अदुत्थम अनुवी इभाषये सयान मध्ये लहई प्रशंसन, बहुत सुंदर एक निर्देश दिया है कि नियम मित बोलो, अदुत्थम दोष रहित भाषा निर्दोष भाषा बोलो जिसमें हिंसा न हो यथार्थता न हो, और अनुवी भाषा विचार पूर्वक बोलने वाले बनो। बस इन तीन बातों में वाणी संयम का मानो कि बहुत सार आ गया है, नियम अदुत्थम अनुवी भाषा, बस ये तीन बातें हमारे वाणी के साथ जुड़ जाती हैं तो मेरा ख्याल है फिर वाणी संयम का काफी काम या पूर्णतया प्रयोजन सिद्धि का कार्य हो सकता है। तो नियम अदुत्थम अनुवी भाषा
सयान मध्य लह ई प्रसंसरम। पहला चलनी पर्याप्त है वैसे, नियम अदुत्थम अनुवी इभाषय, मित बोलो, निर्दोष बोलो और विचार पूर्वक बोलो। वाणी में कई बार आदमी बात को ज्यादा लंबा देता है, अपेक्षा इतनी नहीं है पर वो थोड़ी बाचालता कुछ अंशों में आ जाती है, तो बात को ज्यादा अधिक लंबा कर देता है। आदमी सारभूत बोलने का लक्ष्य रखे, प्रयास रखे। संस्कृत का एक श्लोकांश हो सकता है, वो मैं कई बार अपने वक्तव्य में उसका प्रयोग भी संभवतः करता हूं, वो वाणी के संदर्भ में एक प्रेरणास्पद भी है, संस्कृत भाषा का है वो। गौरव गिरह पल्लव नार्थ लाघवे, गौरव गिरह पल्लव नार्थ लाघवे, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। कि गिरह वन्यहा वन्यहा गरव विषव, वाणी के दो विष होते हैं, जहर होते हैं। वो कहते हैं ना कि जीभ में विष भी है और जीभ में अमृत भी है, तो ये दो विष हैं वाणी में। कौन से? पल्लवनम अर्थ लाघवम, पल्लवनम नाम पल्लवित कर दो, बढ़ा दो, क्यों ना बात को बढ़ा दो, ये पल्लवनम प्रलंबनम, बात को प्रलंब कर दो, ये वाणी का दोष है, विष है। बात को ज्यादा लंबा मत करो, अनावश्यक लंबा मत करो। दूसरा दोष है अर्थ लाघवम, उसमें अर्थ सार विशेष है ही नहीं, वो थोड़ा सार है, तो बात को लंबा भी दिया, बात सार भी विशेष नहीं है, ये दोनों विष हैं वाणी के। तो कहा अमृत यानी गुण क्या, तो दो गुण बता दिए, इनके ठीक उल्टे आरम्च बचो ही वाग्मिता, मितम बच है परिमित वाणी, वाणी को सीमित रखो, यह वाणी का गुण है। और सारम, वाणी में सार होना चाहिए, सार वाली बात होनी चाहिए, वो वाग्मिता, उससे आदमी वाग्मी बन सकता है। वागी बोलने का सुंदर तरीका, उच्च स्तरीय तरीका है कि परिमित बोलो, सारपूर्ण बोलो, टू द पॉइंट बोलने का अगर हम प्रयास करें। हमारे साधु साधियां समणियां और हम लोग व्याख्यान भाषण भी करते हैं, भाषण देना बढ़िया, देखिए वाणी संयम में भी विवेक चाहिए, कहां बोलना और कहां न बोलना। मेरा यह एक है मंतव्य कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं है और न बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना भी बड़ी बात नहीं है और मौन करना भी बड़ी बात नहीं, यानी न बोलना भी बड़ी बात नहीं है, बोलना भी बड़ी बात नहीं है और न बोलना भी बड़ी बात नहीं है, बोलने और न बोलने का विवेक रखना बड़ी बात है। तो हर जगह मौन कर ले वो भी ठीक नहीं, मौन नहीं करना अच्छा होता है, सब जगह मौन करके क्यों बैठ जाएं? बोलना वह बोलना भी चाहिए, नहीं बोलना वह नहीं भी बोलना चाहिए। बोलने के स्थान पर तो हम बोलने की जगह न बोलना चाहिए, बोलने के स्थान पर तो हम बोलने की जगह न बोलना, मौन करके बैठ जाएं, न बोलना वहां आकर के बोलना शुरू कर दें, ये दोनों गलत है। तो बोलने की अपेक्षा वहां बोलो, जरूरत नहीं तो मत बोलो फिर, तो दोनों का उपयोग करना चाहिए व्यवहार में। तो एकांगी कोई बन जाए कि नहीं, बाक वाणी संयम वाणी, तो संयम का भी अर्थ क्या है, यह नहीं कि तुम किस परिस्थिति में जी रहे हो। अब तुम संत लोग हो, मान लो तुम्हें न्यारा में हम भेज देते हैं कि न्यारा में काम करो, जाओ प्रचार करो, तुम जाके मौन करके, हम तो मौन करके बैठ जाएंगे वहां,
तो भी तुमको हमने मौन करने के लिए वहां भेजा था क्या? हमने तुमको कार्य करने के लिए भेजा था, प्रचार करने के लिए भेजा था, श्रावक श्राविकाओं की संभाल के लिए भेजा था, तुम जाके मौन करके बैठ गए। तो मौन तो हमारे पास यही कर लेते, वहां जाने की क्या जरूरत थी तुमको? तो वहां तुम्हारा बोलना भी अपेक्षित है। तो किस परिस्थिति में आदमी है? हाँ, एक तो मान लो साहब विशेष साधना ही करनी है, ठीक है, कहीं एक जगह रहो, साधना अच्छी बात, साधना करो। तुम अगर प्रचार की भूमिका पर हो, जगह रहो, साधना अच्छी बात, साधना करो। तुम अगर प्रचार की भूमिका पर हो, वहां जाके मौन कर लेते हो। अब गुरुदेव तुलसी थे, अब इतना प्रवचन क्यों? वहां जाके मौन कर लेते हो। अब गुरुदेव तुलसी थे, अब इतना प्रवचन क्यों करते? कितना प्रवचन किया होगा उन्होंने, मौन करके गिरा जाते। तो वो मान लो आचार्य की भूमिका में थे और उस सक्रियता की भूमिका में थे। तो हमने देखा सुबह का प्रवचन फरमाते, कई बार रात को भी पधारते, छोटे गांवों में पधारते, जनता इकट्ठा हो जाती तो गुरुदेव जनता में पधारते, व्याख्यान फरमाते। और भी कभी कभी तो बिहार में भी कोई गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो बिहार में ही कहीं कभी 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 शायद वो पेड़ आदि वट वृक्ष होता है कोई दबा कहीं विराज के गांव के लोगों को थोड़ी प्रेरणा जो भी। तो भी बोलना भी बहुत काम का है, बोलना भी बहुत अपेक्षित होता है। तो जहां बोलने की अपेक्षा वहां बोलना चाहिए। अब तुम समीक्षा परिषद में भाग लेते हो, अच्छे तुम चिंतनशील आदमी हो, संत हो, तो वहां तुम मौन क्यों बैठते हो? तुम्हारे पास अच्छा विचार है तो विचार रखो तुम, ताकि और हमारे काम आ सके, तुम्हारा विचार काम आ सके। तो वहां तुम मौन कर बैठो, नहीं हमें नहीं बोलना। तो तुम्हें हमें तुमको हमने क्यों बुलाया था इस गोष्ठी में? तुम गोष्ठी में आए क्यों? फिर मौन तो तुम अपने कमरे में करके रह जाते, यहां क्यों आए हमारे पास तुम? तो जहां अपेक्षा बोलना चाहिए। तुम कल्याण परिषद में आते हो, मौन करके बैठ गए, अच्छी बात है, तुम्हारा आना भी हमारे लिए अच्छी बात, तुम आए हो बैठे हो, पर तुम्हारे पास अच्छा विचार है, पता नहीं किस दिमाग में कौन सा विचार का रत्न पैदा हो जाए। मुंडे मुंडे मतरी बिन्ना, इसका एक यह मतलब भी है, कौन से दिमाग में कौन सा विचार बढ़िया आ जाए, जो विचार कितना कल्याणकारी बन जाए। तो जहां गोष्ठी हो रही है, तुम्हारे पास अच्छा चिंतन है, तुमको हमने बुलाया भी है, तो तुम्हारे पास विचार बढ़िया है, तो वहां तुम मौन करके बैठ जाओ, वो हमें अपेक्षा नहीं, वहां तुम बोलो, अपने विचार दो, तक वो विचार हमारे काम आ सके, संघ के काम आ सके। इसलिए मौके पर बोलना भी चाहिए। मौके पर नहीं बोले फिर वो हमें आखिर वाणी मिली क्यों है? प्रकृति से हमको वाणी मिली क्यों है? अगर मौन ही करना है तो थावरकाय के जीव ठीक है, फिर तो उनको न बोलना न वाणी मिली वो ठीक है, बस फिर स्थावरकाय ठीक है, निगोद के जीव ठीक अपने बैठे हैं, न बोलना न अपने आराम से। तो हमको पंचेंद्रिय क्यों बनने का मौका मिला है? हमें वाणी क्यों मिली? हमें फिर क्यों नहीं बोलते हम? तो मौके पर बोलना चाहिए आदमी को, कहने की बात कहनी चाहिए। हाँ, यह देखना कितना बोलना अपेक्षित है, स्थिति क्या, द्रव्य क्या, क्षेत्र क्या। तो आज गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी इतना प्रवचन करते थे, मौन लेके ही विराज जाते, तो जनता को फिर इतना कैसे लाभ मिलता? हमें भी कितना क्या लाभ मिलता थे? मौन लेके ही विराज जाते तो जनता को फिर इतना कैसे लाभ मिलता? हमें भी कितना क्या लाभ मिलता? इसलिए न यानी बोलना बड़ी बात नहीं है, न बोलना भी बड़ी बात नहीं है, बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात है। हम बोलने और न बोलने में विवेक रखें, यह अपेक्षा। तुम्हारे पास संत हैं, छोटे संत हैं, तो उनको तुम बचाओ सिखाओ तो तुम्हारी वाणी का उपयोग होगा। तुम मौन लेके बैठ जाओगे, तुम्हारे पास बाल मुनि है और भी संत हैं, तो तुम जानकार हो, विद्वान हो, बहुश्रुत या पढ़े लिखे हो, अपने साथ वालों को ज्ञान दो भी, आओ बैठो आधा घंटा घंटा हमारे पास बांचो, तो दूसरों को ज्ञान दो। तो ज्ञान देने में वाणी का उपयोग करो, अच्छा लाभ, निद्रा का लाभ मिलेगा। इस प्रकार हमें तो वाणी में एकांगी नहीं बनना कि मौन 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 संयम मौन। अरे मौन की जगह मौन ठीक है, अमौन की जगह अमौन भी ठीक है, बोलना भी ठीक, मौन संयम मौन। अरे मौन की जगह मौन ठीक है, अमौन की जगह अमौन भी ठीक है, बोलना भी ठीक है। तो भाषण की जगह भाषण करो, भाषण काले भाषणम, मौन काले मौनम, इन दोनों का हम विवेक रखें,
तो कुल मिलाकर के हमारा वाणी संयम की जो बात है, हाँ 90 वर्ष आ गए, 80 आ गए, अब तुम्हें एकांत साधना ही करनी, फिर भले मौन कर लो, कोई बात नहीं। जब तक तुम इस परिवेश में हो, प्रचार में, उपकार में, परोपकार में, संघीय इस सेवा में, तो वहां हमें अपेक्षा अनुसार वाणी का उपयोग भी करना चाहिए। ओम अरहम। अब उपवास बेला एक बात सब संसद तो अब साधु साध्वियां अब जा सकते हैं, समनिया भी जाए तो आपत्ति नहीं है। कल अनुव्रत चेतना दिवस है, साधिकाओं में तपस्या का क्रम चालू ही लग रहा है और साध्वी श्री सुषमा कुमारी जी उसमें ध्यान भी दे रहे हैं। पुरुष श्रावक वर्ग वे विशेष ध्यान दें, उनमें कईयों के अठाइयां भी चल रही है, उससे अधिक की तपस्या भी चल रही होगी, तो वे ऐसा प्रयास करें कि संवत्सरी के दिन 28 या 7 या 6-5 इस क्रम में वे अपनी तपस्या को अंजाम दें, ताकि संवत्सरी के दिन सभी तपस्वी एक साथ में हो सकें। तो यों आप लोग तपस्या का क्रम चलाएंगे तो एक सतरंगी का या जो भी क्रम बैठ सकेगा वो एक अच्छा क्रम हो सकेगा। तो भाई लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब उपवास बेला तेला आदि प्रत्याख्यान करने वाले वे प्रत्याख्यान कर लें और फिर गुरुदेव का मंगल पाठ हो रहा है, फिर उसके बाद में कुछ तपस्या, बड़ी तपस्या के प्रत्याख्यान का क्रम भी रह सकेगा। गुरुदेव प्रत्याख्यान कराए फिर मंगल पाठ। उपवास बेला तेला आदि पचकने के इच्छुक हैं उनको पचकाया जा रहा है। सूर्य उग गए खामी असनम खाइनम साइनम अपानम बोचरानी कल सूर्योदय तक तीनों हरों त्याग। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो दुम्बो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो दुम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नतं दुम्मं शरणं पवज्जामि। कमला बेन अचरत लाल परीख अहमदाबाद।